Oh, nice, bro. Like, that's what I do randomly with her. Nice, right? Yeah, so, I mean, what, जब आप बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में कुछ टॉपिक आया. हाँ, जैसे मैंने लिख लिया क्योंकि एक तो कीटो का टॉपिक आया. मैं आपको एक बात बताऊँ, जो भी प्रमोट करता है ना, 90% ऑफ देम डू नॉट इवन नो व्हाट इज कीटो. वो दूसरी ही वीडियो में वाटरमेलन भी खा रहे होंगे और वो शिट मैन बटर चिकन की ग्रेवी खा रहे हैं और वो कह रहे हैं कीटो है. अच्छा, आपको पता है किसकी बात आ रही है. ठीक है, ठीक है, समझ गया. सबको पता है, सबको पता है. काफी लीन है वो. सही बात है. ठीक है, ओके, सू मत करना सर. हम गरीब, कौन सू करेगा. लेकिन वो मुझे, क्योंकि मैं काफी देखा तो मुझे वो थोड़ा बुरा लगा कि इस प्रकार से वो इसे प्रमोट कर रहा है कि अगर आप नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो. उनका लिखा है कैलोरी इन कैलोरी आउट इज बुलशिट. तो अगर वही बात जो मैं अभी करी कि किसी को अगर आप विलन नहीं बनाओगे तो अपने आप को हीरो कैसे प्रूव करोगे. हाँ, तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि देखो मैं कीटो करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू शुड गिव इट अ ट्राई, आपको अच्छा लगा तो कंटिन्यू. देखो ये ट्रिक्स हैं कीटो में, ये आप कर सकते हो. बट वो नहीं हो, उस तरीके से नहीं हो रहा है ना. तभी आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, कोई आपको ऐसा लगता है कि मैं, आप न्यूट्रिशन स्पेस में. हाँ भाई, वो उस टाइम ना मेरे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ना वो बंदा, बट सच में ये बंदा इकलौता है जो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता. बेसिकली व्हाट दे प्रीच इज कि कीटो में ना प्रोटीन पिज्ज़ा खाओ, बेस उन्होंने बना दिया कुछ कॉलीफ्लावर का या फिर चिकन का. तो या तो उसके अंदर फाइबर ओवरलोड हो गया और या फिर वो प्रोटीन ओवरलोड हो गया. दोनों ही केसेस में वो कीटोजेनिक तो नहीं है. कीटोजेनिक इज व्हाट, इट्स जस्ट 80% फैट. 80% फैट, एंड वो खाते भी हाई प्रोटीन है. उनका प्रोटीन शायद 60% रहता है. हाँ, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से कार्ब्स तो बन ही रहे हैं. हाँ, वो एक्ट क्या एक्टिन डाइट कुछ है, एक्टिन में भूल गया हूं. आई डोंट नो व्हाट इज दैट शिट. एटकिंस डाइट है, थोड़ा हाई. एटकिंसंस डाइट. हां हां हां, वो हो गया. तो थोड़ा पेलियो के साइड जा रहे हूं. हाँ. लेकिन उनको शायद खुद नहीं पता वो क्या. नहीं, मेरे हिसाब से बेसिक साइंस है, अगर आप प्रोटीन ज्यादा खा रहे हो, बॉडी ने पकड़ के उसको कार्ब्स में कन्वर्ट कर देना, दैट इज व्हाट यू कॉल ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोज बन जाएगा. तो कीटोन्स तो मैं नहीं. हाँ, तो कीटोजेनिक डाइट कैसे होगी. वो कीटोजेनिक डाइट लोग आप है, हम कार्ब्स नहीं खा रहे. बट बात ये हो, चलो मुझे खुशी इससे होती है कि मतलब लोग इतना फंस नहीं रहे उनके चक्कर में, है ना. मेरे ख्याल से तो फंस रहे हैं, क्योंकि इतने सारे फॉलोअर्स जो फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद वो क्लाइंट भी बन रहे हैं और उसके बाद मेरे पास उनके क्लाइंट्स आते हैं ना. सो आई एम ऑनलाइन कोच, तो मेरे पास आते हैं और वो मुझे जब बताते हैं कि हमारे को तो डाइट में कार्ब्स दे दिए और बोला कि भाई ये जो कीटो है ना, ये बाद में हम करेंगे थोड़े टाइम के लिए. आई एम लाइक, व्हाट स्कैम इज दिस, क्या रैकेट चला रखा है. हां, तो मतलब चल रहा कैलोरी इन कैलोरी आउट ही एंड में, वो बस बाहर से दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता. वो हार्मोन को हार्मोन कहते हैं यार. They don't even know about what is diabetes. उनको लगता है insulin resistance हर किसी बंदे को हो जाएगी. That's not how insulin works. हर कोई बंदा diabetic थोड़ी ना. अगर मैं highly active individual हूँ, मेरे अंदर fat भी कम है, अगर मेरे, पता है ये evidence भी है कि अगर मैं पूरे दिन भी sugar खाता रहूँ, अगले 6 महीने तक, 6 साल तक भी मुझे diabetes नहीं होगी. So basically I saw your video कि यार अगर किसी beginner को जिम जाना शुरू करना है तो उसको यही एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो बहुत वायरल गई हुई है आपकी, लाइक मिलियंस में गए हुए उसके व्यूज मैंने देखी थी. आज सुबह ही देखी, मैं आपके प्रोफाइल स्टॉक कर रहा था बैठ के कि इस इंसान से मुझे क्या क्या पूछना है ऐसे करके. भाई मुश्किल में पड़ सकते हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है. सो वी हैव अभिषेक राणा विद अस ऑन द चैनल टुडे. नाइस टू मीट यू. वेलकम टू द चैनल भाई. ऑन टू यू. मैं था एकदम 120 kg मोटा. डिप्रेशन था. डिप्रेशन किस चीज़ का? फिजियोलॉजिकल एक तो था कि मेरी बॉडी की शेप ही ऐसी थी कि हार्मोनल प्रोफाइल तो वॉज ऑल ओवर द प्लेस, है ना. लाइफस्टाइल ऐसा था कि शायद सनलाइट मैंने हफ्तों तक नहीं देखी है, है ना. स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, गेम खेल रहा हूँ, ड्रिंक कर रहा हूँ एंड ऑल दैट. तो आई थिंक स्लोली स्लोली क्या होता है कि और भी जब आप ऐसे एक्टिविटी करते हो तो और भी लाइफ की चीज़ें इधर उधर गिरना शुरू हो जाती हैं, मतलब वो स्मूथली नहीं चलती हैं. तो धीरे 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 लाइफ नीचे जाने लगी. फिर लगता है कि क्या पर्पस है, क्यों कर रहा हूँ. वो एज आने लगती है ना कि आप कुछ करना है. विद इन 2 months मैं 120 से 78 kg आ गया था. वेरी अनहेल्थी डाइट. मैं सुबह 2 boiled एग खाता था, दिन में छोटी कदरी दाल, रात को बिग प्लेट ऑफ फ्रूट्स और कुछ नहीं. लिटरली 800 to 1000 calories. मेरा कोई दोस्त आया, उसने बोला यार भाई तू तो बहुत पतला हो गया. मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे कि इतना कम खा रहा हूँ कि एनर्जी नहीं है ना, तो मुझे वैसा ही फील हो रहा है. और बुरा नहीं नहीं यार, पतला नहीं हुआ. उसने नहीं तू हो गया है, तू वेट तो नाप. मैंने वेट नापा, नहीं मशीन ख़राब है. मैंने 2-3 जगह चेक करा,
सही में 78 kg, सो शॉक्ड। तो फिर मैंने अपनी दाढ़ी शेव करी पहले, तो इतनी बहुत बड़ी हो रखी थी, तो मैंने देखा जॉ लाइन है, फर्स्ट टाइम मैंने जॉ लाइन देखी, है ना। फिर उस दिन मुझे लगा कि ओके कुछ अकॉम्प्लिश किया है, तो ओके चीट डे तो बनता है। तो उस दिन मैंने अपने कजन्स को फ़ोन किया, चलो मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, हर जगह से खाना उठाया, कार्ब लोडिंग ही समझ लो, उस समय तो पता नहीं था क्या होता है कार्ब लोडिंग में। आई एट एवरीथिंग, एंड जब मैं सुबह दूसरे दिन उठा तो वो फीलिंग भाई मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ब्लड नहीं, नहीं नहीं, एनर्जी, एनर्जी, क्योंकि इतने समय से मैंने कुछ डिप्लीटेड थे, हाँ कुछ खाया नहीं है, और इतना सारा कैलोरीज मेरे अंदर आया, मैं पूरी पहली बार नींद भी अच्छे से इतने समय बाद आई है। तो मैं सुबह उठा तो आई फेल्ट लाइक अ निंजा, है ना, मैं मतलब लिटरली मैं पेड़ चढ़ गया उसके बाद। मेरे दोस्तों को लगा क्या फटाफट से, है ना, क्योंकि क्योंकि लिटरली 30 kg कम है ना, हाँ 30 kg कम है, मतलब एक काउच कितने का होगा 30 kg का। तो मैं वो काउच लेके चल रहा था और वो मैंने एक दिन ऐसे फेंक दिया एंड आई एट ऑल द एनर्जी। तो वो फीलिंग मुझे हमेशा याद रह गई। तो फिर वो फीलिंग कहाँ पर अप्लीकेट होती है, वेट लिफ्टिंग में, जब आप वेट्स हैवी उठाते हो एंड फिर जब आप नॉर्मल जिंदगी में जाते हो तो सब कुछ ईजी लगता है, आप ये डे टू डे चीज़ें उठाना वेटलेस हो जाएंगे, है ना, इससे ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत हो जाती है। तो मुझे वेट लिफ्टिंग से वो रेप्लिकेट होना शुरू हुआ, तब फिर मैं इसमें घुसा तो मुझे धीरे धीरे लगा कि ये जो फीलिंग है ना जो मुझे हुई है, ये मैं और लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, उनको सिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा था। सो आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि अगर एक बिगिनर ने जिम ज्वाइन किया है तो उसको कैसे टाइप की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कैसे टाइप की एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आजकल की दुनिया में फिटनेस की बायोमैकेनिक्स बहुत आ गया, अगर आपने देखा हो कि ये वाली एक्सरसाइज मत करो, ये वाली एक्सरसाइज तो है ही घटिया, इससे तो आपके जॉइंट्स और लिगामेंट स्ट्रेच हो जाएंगे और वो स्ट्रेच ही रह जाएंगे। और अगर आपने बैकग्राउंड किया तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बैठा रहता हूँ तो मुझे काइफोसिस हो जाएगा, ये तो सिन है, हाँ ये तो गलत बात, हाँ तो बेसिकली आपका क्या टेक है उस पर? तो आई थिंक हाँ इसकी बहुत वैल्यू है, ये खराब नहीं है, हाँ क्योंकि कुछ लोग, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, कुछ लोग होते हैं मेरी तरह क्यूरियस, जिनको होता है कि एक आइडियल चीज क्या होगी, है ना, फिर क्योंकि आइडियल तो मुझे ही पता है लेकिन मैं करता ही नहीं हूँ आइडियल। जैसे मुझे पता है कि अगर मुझे बैक की मसल मैक्सिमम उगानी है तो आई विल डू चेस्ट सपोर्टेड रोज, लेकिन मुझे मजा ही बारबेल रोज पाता है ना, मैं बारबेल रोज करता हूँ, है ना। तो एक तो आइडियल है और एक है जिसमें मजा आ रहा है। अब मैं बॉडी बिल्डर तो हूँ नहीं, मुझे कॉम्पीट नहीं करना है ना, तो एक्सरसाइज सिलेक्शन एक प्योर बिगिनर के साथ एक मूवमेंट तो मैं जरूर चूज करता हूँ जो एक हिंजिंग मूवमेंट हो। हिंजिंग मूवमेंट मतलब हिप एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, हिप्स पीछे और आ गया। तो उसमें मुझे सबसे फेवरेट लगता है रोमेनियन डेडलिफ्ट, ये मुझे लगता है हर बंदे को करना चाहिए नो मैटर व्हाट। तो एक बिगिनर को किसी भी प्रकार का आइडियल करना चाहिए। सेकंड मैं बोलूँगा एक ओवरहेड चीज सर के ऊपर, डजंट मैटर डंबल बारबेल केबल, डजंट मैटर, सर के ऊपर करना चाहिए, ठीक है। एंड एक स्क्वाट मोशन, ये तीन मोशन फाउंडेशन है, ठीक है ना, मतलब अब ये किसी भी वेरिएशन में करो, सबके हजार वेरिएशन है पर ये फाउंडेशन है, ये हर बंदे को, नॉट जस्ट बॉडी बिल्डर्स को, आपकी मम्मी को, मेरी मम्मी को, सबको ये करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे मतलब आपका ओवरऑल स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बना रहेगा। आप ऑफेंड तो नहीं होता है, मैं कुछ भी पूछ लूँ? हाँ हाँ, ठीक है, अरे बिल्कुल यार, अनफिल्टर्ड यार। मैंने आपका वो देखा, आपका इंस्टाग्राम चैनल देखा, क्या देखा आपका इंस्टाग्राम चैनल देखा, यूट्यूब मैंने नहीं देखा अभी, इंस्टाग्राम देखा। तो फिर मैंने कमेंट सेक्शन खोला तो मैंने देखा आपकी वीडियोस तो अच्छी हैं, वैल्यू भी है, पर कमेंट सेक्शन में हेट क्यों है इतनी बहुत ज़्यादा? क्योंकि मैं अपना देखता हूँ रिलेटिवली क्लीन है, जो भी कमेंट आता है वो मेरे मोटापे पर आता है हल्का बहुत, और वो भी कम आता है ज़्यादा, है ना। पर आपको क्या लगता है आपके उसमें हेट क्यों आती है? यार मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, पहले ना मैं बहुत इफेक्ट होता था इससे कि यार मेरे को हेट क्यों कर रहे हैं, बट देन जब मैंने थोड़ा स्टैट्स रन करे तो मुझे दिखा कि इसमें से ही जो लोग हैं वो लाइक भी कर रहे हैं और इसमें से ही लोग हैं जो मेरे को पैसे दे रहे हैं और मेरे क्लाइंट बन रहे हैं, तो उससे बड़ा ट्रस्ट तो कुछ होगा नहीं। तो जब तक मैं ये सोचता रहा कि मेरे को हेट क्यों आ रहा है तब तक मैं दुखी रहता था। जब मैंने अपना पर्सपेक्टिव और फोकस शिफ्ट कर लिया उन लोगों पर जो एक्चुअली मेरे से प्यार करते हैं और इज्जत करते हैं, जो सड़क पर मिलते हैं और मुझे कहते हैं आपने मेरी लाइफ बदल दी, तो ऑनेस्टली मैंने सोचना बंद कर दिया। बट मैं आपको सच बताऊंगा कि मैं रात को निक्की से भी बात करता हूँ और सोचता हूँ कि यार मैंने क्या बिगाड़ा है इनका, ये जो मेरे को गाली दे रहे हैं कि तू घर पे बैठ, तू तेरी जैसी बॉडी बनेगी तो ये वाला सप्लीमेंट नहीं लेना। हाँ, क्योंकि मैं देखा ना, क्योंकि जैसे आपने एक वीडियो, मैंने कहीं क्लिप देखा था आपका, आपका वीडियो नहीं था, किसी और पॉडकास्ट में थे शायद आप, उसमें आप बोल रहे थे कुछ, हाँ क्या बोल रहे, चीट मील का कॉन्सेप्ट आप बता रहे थे कि आप अगर हर दिन 300 कैलोरीज बचाएंगे तो आप वीकेंड में एक चीट मील इजीली खा सकते हैं। कितना अच्छा आइडिया है, कितना सुंदर आइडिया, बट
मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा तो एक पॉजिटिव कमेंट नहीं मिला मुझे, और मुझे लगा यार बात तो ये सही कर रहे हैं, तो क्यों है इतना हेट? आपको सही लगी वो बात? हाँ, आपके जैसे 100 बंदे हैं जिनको सही लगी, 10,000 बंदे हैं जिनको सही लगी पर वो गलत लिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जो ये हेटर है ना, ये हेट करते हैं और मेरे को ना इनके ये याद रह जाते हैं, पता नहीं मेरी क्या मेमोरी है, 2-3 महीने के बाद इनको लगता है मैं भूल गया, इनका मैसेज आया था आई वॉन्ट टू गेट कोच्ड बाई यू। ऐसा बहुत बार ही हुआ है, और ये इन पर्सन भी मिले मुझे एंड इन्होंने मेरे को बताया कि मैं आपका हेटर था, पर आप तो रियलिटी में बड़े हम्बल हो। मे बी आई थिंक कि मेरे को हेट क्यों आता है कि मैं बहुत एरोगेंट लगता हूँ, ये मेरे क्लाइंट्स ने भी मुझे बोला है कि यार व्हाट्सएप पे आगे आपको पैसे देने के बाद तो हमें पता चल रहा है कि आप बहुत ह्यूमिलिटी से बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे हमें बड़ा थोड़ा हमें एक साल लग गया सोचने में कि हम आपको एनरोल करें या नहीं, क्योंकि आप थोड़ा हाइपर एक्टिव और एरोगेंट से लगते हो। एरोगेंट तो नहीं बोलूंगा, पर आप एनर्जेटिक हो हाँ, तो मुझे लगता है लोग मिसरीड करते हैं वो, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एरोगेंस से बहुत नफरत है ना, क्योंकि लेकिन मुझे आपसे मुझे दिखा नहीं एरोगेंस है ना, क्योंकि मुझे क्या होता है ना, मुझे एक तो एक अनअर्नड कॉन्फिडेंस से एकदम इरिटेशन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किस बात का है भाई? हाँ, मतलब क्योंकि देखो मैं तो ओपिनियन चेंज करने को तैयार हूँ, मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन भाई तू क्यों नहीं सुन रहा? कोई बंदा कुछ मैं कुछ बता रहा हूँ जेएम प्रेस के बेनिफिट, वो बोल रहा है भाई तुम कुछ भी आके एक्सरसाइज बना देते हो। मैंने थोड़ी बनाई जेएम प्रेस पर, वो फुल ऑन हेट, मतलब मैं उनका माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रो आप देखो एक बार जेएम लिख लिख सिविल तो छोड़ ही देते हैं, वो सिविल डिस्कशन वो उसमें आए थे, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, वो सही है। तो वो मुझे समझ नहीं आता भाई तुम्हारा माइंड क्यों नहीं है ओपन, जब मैं सुनने को तैयार हूँ, मैं यही मेरी जिंदगी है, मैं यही दिन रात यही सोचता हूँ, यही पढ़ता हूँ, तो तुम इतने अरोगेंट क्यों हो रहे हो? तो वो मुझे उससे बहुत नफरत है। बट मुझे एक बात बताऊं भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि जो एक्चुअली में डॉगमेटिक लोग हैं ना, उनको कोई हेट नहीं कर रहा। यूट्यूब पे आप देखना जो लोग कहते हैं ना कि ये ऐसे ही होता है वरना तुम भाड़ में जाओ और मुझे हरा के दिखाओ डिबेट में, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। जो आपको जेन्युइनली सही लगता है ना, आप वो बोल रहे हो जिससे आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, फैक्ट है वो, है ना, और मतलब ये सही में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, बट लोग उस एंगल से सोचते हैं कि आप ना मिसलीड करना चाह रहे हो, पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। क्योंकि मैंने आपके कमेंट पढ़े, मुझे गुस्सा आया ना, क्योंकि जब मैंने देखा कि आके इन्फॉर्मेशन सही तरह, तो इतना नेगेटिविटी क्यों है, मुझे आपके लिए गुस्सा आया क्योंकि मुझे नहीं आता ना नेगेटिव कमेंट, बल्कि मैं तो कुछ वीडियोस में बोलता हूँ भाई तुम गालियाँ दो मुझे, है ना, क्योंकि मैं पक गया हूँ, मुझे गालियाँ सुननी है। मेरे ख्याल से रिएक्टेंस है यार कि डू नॉट थिंक ऑफ अ येलो टेडी बियर बट यू जस्ट थॉट ऑफ इट। आप बोलते हो आपको नहीं आती उनको, या तो उनको दिखता है कि मुझे प्रॉब्लम होती है इससे, बीइंग ऑनेस्ट तो उनको उसमें मजा आता है एंगेज होने में, क्योंकि मुझे थोड़ा बुरा रहा है देख के। बट यार मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ, मेरे पापा ने मेरे को ये सिखाई है कि नो मैटर कोई कुछ भी बोले, क्योंकि मैं तो बचपन से ही ऐसा आया हूँ, मैं 107 किलो का था पहले, तो मैं बुली होता हुआ बड़ा हुआ था, तो अब मेरे अंदर एक ऐसी रिएक्टेंस है जो मेरे शायद कॉन्टेंट में दिखती है कि अब मेरे को बुली किया तो फाड़ दूंगा, मतलब ऐसे टाइप की एक रिएक्टेंस है मेरे पास्ट की वजह से, कि बचपन में मैं कुछ कर नहीं पाता था, अब मैं जो भी हूँ कैसे भी हूँ तो वो मेरा एनर्जी दिखती है, और जो वही वाले लोग हैं जिनको शायद वो दिख जाता है मेरा पास्ट, क्योंकि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मेरा सब कुछ ओपन पड़ा हुआ है, तो उनको ऐसा लगता है कि एक चूतिया मोटा ही है अभी भी, ठीक है, और इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं अपना काम करता रहूंगा तो जो वो लोग थे ना स्कूल में जो मेरे को बुली करते थे, उसमें से कितने सारे मेरे क्लाइंट्स बन चुके हैं, कितने सारों के साथ मैं बहुत अच्छे रिलेशन में आ चुका हूँ, क्योंकि हम लोग सारे मैच्योर हो गए, उससे ऊपर उठ चुके हैं, तो ये लोग भी मैच्योर हो जाएंगे एक टाइम पे, जब ये बड़े हो जाएंगे और जब ये कंटेंट मेरा और कंज्यूम करेंगे और इनके बच्चे भी देखेंगे, और तो एक ना एक दिन तो ये इज्जत करेंगे ही करेंगे। तो आई विल जस्ट फोकस ऑन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि मैं सच्चे दिल से कर रहा हूँ। लेकिन इंटेंशन आपका अच्छा है, ये होना चाहिए। आप गालियां कोई भी दे रहा है उससे भाई को फर्क नहीं पड़ता है ना, सच में मैंने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। हाँ, आप मत तो ध्यान, क्योंकि मुझे बुरा लगा, समझ से मैं पूछ लेता हूँ। नहीं बढ़िया यार, यहाँ तो मेरा पॉडकास्ट हो गया सीरियसली मैन, मजा आ गया सीरियसली यार। मेरा पॉडकास्ट का एक आइडिया है, मैं खोलने वाला हूँ पॉडकास्ट। बढ़िया है, फिर मैं आप मेरे को अभिषेक भाई के चैनल पे देखोगे। नहीं नहीं, मैंने ऑर्डर मतलब कैसा आइडिया था, इसको कट कर देना। हाँ ठीक है, ये पॉडकास्ट के बाद हम बात करेंगे वाली। हाँ हाँ, अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं। हाँ, खत्म करो। सो बेसिकली आपको मज़ा आया होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पॉडकास्ट जैसा जितना मैंने सोचा था उससे तो बहुत लंबा और बहुत होलसम हो गया, जिसको मैं भी लुक बैक करूँगा, क्योंकि यार मैंने सोचा तो ऐसा था कि मैं ये सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा, बट ये इतना कैंडिड और रॉ हो गया एज आई वांटेड इट टू बी, कि मैं आज से 10 साल बाद भी लुक बैक करूँगा तो एक मेमरी बन गई है हमारी, है ना, कि हम मिले थे यार ऐसे
एंड वी बिकेम फ्रेंड्स ऑन दिस डे. सो हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब मजा ही आ गया, क्या वाइब सेट हो गई हम सबकी. और सब रैंडमली हुआ, ऐसा नहीं मैं दिल्ली आया था कीकी को पिक करने, हमने बोला मिल लेते हैं पॉडकास्ट कर लेंगे. ओके, कुछ प्रिपरेशन नहीं है, कुछ ऐसे ही हो रहा है. सही में अभी हम कंक्लूड ही कर रहे थे, आजा आजा. सो ये खाना भी आ चुका है यहाँ पे, तो हम खाना वाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट में. अगर आपको हमारा ये मेमोरी वाला इमोशन जो हम फील कर रहे हैं आपको भी रेजोनेट हुआ, सो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद समबडी हु रियली नीड्स टू हियर ऑल दिस दैट वी टॉक्ड अबाउट. यहाँ पे मेरा भी पॉडकास्ट हो गया, पता है, हेट के ऊपर बात करी हमने. तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज निकी, बाय बोलते अब तो, एंड दिस इज किकी, बाय बोल दो, गुड बाय, गुड बाय गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अभिषेक भाई, रोमानियन डेडलिफ्ट, डू योर रोमानियन डेडलिफ्ट एंड ईट योर फूड एंड ईट योर कार्ब्स एंड ईट योर कार्ब्स. बाय गाइस.